पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को अपनी तमाम तर जितनी भी क्रिकेट है 75 जितने भी साल 76 उसका सबसे डार्केस्ट सबसे तारीख दिन मुबारक हो। वर्ल्ड T20 के ओपनिंग मैच में आपकी उस चहेती टीम को कि जिसको थोड़ा सा रगड़ दो तो आपके अंदर बुलबुले फूटना शुरू हो जाते हैं इमोशंस के, कि फारू भाई इनको कुछ मत कहो, ये तो राज दुलारे हैं हमारे, हमारे प्यारे हैं, हमारे हर दिल अजीज हैं, आप इनको बिला वजह में रगड़ते रहते हैं, आप इनको इतना ना रगड़ा करें। वो USA से हार गए हैं सर, यूनाइटेड स्टेट से सुपर ओवर में हार गए हैं, जबकि उनकी टीम कख नहीं थी। मतलब अब तो है, आपको मार दिया, अब उनका नाम तो बन गया ना, उन्होंने टेस्ट प्लेइंग नेशन को आज कूट के रख दिया, सुपर ओवर में वो जीते हैं। और आपकी मतलब मैं किधर से शुरू करूं, किधर ख़त्म करूं कि आप USA के अगेंस्ट, पहले तो आपकी बैटिंग नहीं चली, मसा मर के लड़ते मरते आपने थोड़े से स्कोर खड़े किए, आपने बीच बीच में चंक्स में थोड़ी बॉलिंग करके वो टाई अप कर दिया जबकि वो आप जीत सकते थे, ठीक है। शाहीन साहब ने कैच क्रूशल ड्रॉप कर दिया, हारिस रऊफ यॉर्कर पे यॉर्कर नहीं है ना, यहाँ पर कुछ हो तो फिर है ना, बस यॉर्कर मारनी है, यॉर्कर फुल लोअर फुल टॉस में कन्वर्ट हो गई तो क्या होगा, ये नहीं सोचा, एक छक्का एक चौका लोअर फुल टॉस पे यॉर्कर मारते हुए हारिस रऊफ को आखिरी ओवर में पड़ा है, 15 रन खाए हैं भाई ने, आखिरी ओवर में 15 रन सेव करने थे हारिस रऊफ को, करने चाहिए थे कि नहीं, 150 किलोमीटर की पेस है, 130 भी मेरी 130 होती मैं बचा लेता, क्योंकि थोड़ा सा सोच समझ के बंदा बॉल कर लेता है, किधर बॉल फेंकना है क्या, बस यॉर्कर यॉर्कर यॉर्कर। ये आपके राज दुलारे USA से हार के बैठ गए हैं, और अब मुझे बताओ कि आप इनके माथे चूमें, सीरियसली मुझे तो वो मौलवी साहब याद आ गए, मुझे नीचे गालियां दे रहे होते थे कमेंट्स में कि ये इंडिया की टीम की तारीफ करता है व्यूज के लिए, घंटा गणेश है सर आप, सॉरी टू से मौलवी साहब, अपनी दाढ़ी देखो और शर्म करो कुछ, बंदा गुदीद लिहाज ही कर लेता है, बंदा जो आप हमारा दीन कहता है जोशी ठीक है उसका साथ दें, उसके बारे में कहें कि वो ठीक है, वो आपसे बेहतर टीम है, वो आपसे बेहतर क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने बेहतर सिस्टम डेवलप कर लिया है, आप इधर अपने इमोशंस के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इमोशंस का जो तेल है ना वो खुद भी लें, मलें अपने आगे पीछे, इधर अपने जो चहेते हैं ना इनको भी मलें, मुझे ना कहा करें कि ये कर दें वो कर दें, ये आपके सामने जो आज हुआ है, आपसे कोई ढका छुपा नहीं है, और USA से हार गए हैं यार, अनबिलीव। ये बाबर को गालियां देते थे सर, 159 किया पाकिस्तान ने, 159 पहले 10 ओवर में सिर्फ एक चौका लगा है पाकिस्तान का, इतनी उनकी फील्डिंग ऐसी थी कि एक चौका पाकिस्तान लगा सका 10, मतलब लास्ट बॉल पे 10वें ओवर की, 10 ओवर कंप्लीट हुए हैं, लास्ट बॉल के ऊपर चौका बाबर ने मारा जसदीप को, कोई उसके अलावा चौका नहीं लगा, छक्के लगे दो चार छक्के मार गए, उसके अलावा सर कुछ नहीं है, चौके के नाम पे कुछ नहीं, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त फील्डिंग की है। आपने मोहम्मद रिजवान का जो टाइलर ने कैच ले लिया है वो जाकर देखें, 0.7 उसका जिसे कहते हैं वो 0.7 मिली सेकेंड वो उसका रिएक्शन टाइम है, और टेलर जो है ना वो कुछ स्लिम स्मार्ट नहीं है, वो ठीक ठाक है बेल्ट में, स्लिप में खड़ा था वो, एक तो बॉल ही उसने बड़ा ज़बरदस्त किया, रिजवान को हैंगिंग पोजिशन में उसने खिलाया, ठीक है वो नटरावलकर ने, और उसके बाद जनाब रही सही कसर वो टेलर ने पूरी कर दी, जितना बेहतरीन बॉल उतना ही बेहतरीन स्लिप के अंदर कैच, इसको कहते हैं फील्डिंग। और एक हमारा चाचा, अच्छा जा रही हो, चलो ठीक है जाओ, ख्याल से जाना, और देखो रास्ते में किसी से चीज़ ना लेकर कुछ खाना, वो इस तरह देख रहा था पटेल का जब बैज लगा था, इनकी तारीफें करो, सही है आप करें सर, आप करें, आपको सूट भी करती है, मैं तो नहीं करता। अच्छा रिजवान ने 9 रन्स किए, मैंने आपको बताया स्लिप में कैच, बाबर आजम 44-43 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के, गलत टाइम पे आउट हुआ, स्टुपिड किस्म की शॉट, पता नहीं थक गया था क्या हुआ था, फुल विकेट्स कवर करके आप लेग साइड पे खेल रहे हैं, जब आपको पता भी है कि यार ये पिच जो है इसका कोई दीन ईमान नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ऊपर रह जाए नीचे आ जाए मुश्किल विकेट है, बाबर आजम तीनों स्टंप्स कवर करके लेग साइड के ऊपर खेलने की क्या आग लगी हुई थी, मेरा ये सवाल है, कौन सी ऐसी, आपको नहीं पता था कि यार विकेटें हाथ में रखनी है, एंड तक किसी तरीके से विकेटें बचा कर लेकर जाना है, नहीं बाबर आजम ने ये अपने 44 रन्स बना करना जिसे कहते हैं उनको फिर जला दिया, वो जिस तरह वो LBW हुआ है उसकी जसदीप की बॉल के ऊपर, ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल ठीक ठाक बेहतरीन खेल रहा था, थ्रो किया बाबर आजम ने अपनी विकेट। अच्छा उस्मान खान
वो इन विकेटों पर नहीं चलने वाला, वो तो पता लग गया था। वो एम ही अटैक करने के, उसको लग रहा था हर विकेट जो है वो बैटिंग विकेट, हर विकेट भाई बैटिंग विकेट नहीं होती, ये बहुत अजीब गरीब किस्म की पिचेज हैं, यहाँ पर आकर ना टाइम लेना पड़ता है, यहाँ पर आकर लंबी इनिंग खेलनी पड़ती है, ये टी ट्वेंटी इनिंग वाली विकेट्स ही नहीं है। आगे निकल के मारने लगा था वो, लॉन्ग ऑफ पे कैच हो गया, कनिजे ने उस बॉल, कनिजे बॉलर था, कुमार ने उसका कैच कर लिया, फ़खर जमान ने 11 किए, फ़खर जमान जनाब अली खान को स्कूप करने लगा था, दे मार 4.5 हो गई, ये तीन आगे पीछे गिरे हैं, रिजवान उस्मान और फ़खर, तीन तो हमारे यूं ही हैं ना, आपको पता ही है, फ़खर स्कूप वो इधर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर कैच हो गया, नटरवलकर ने कैच, टेलर ने उसका कैच पकड़ा, शादाब खान उसने 40 किए 25 गेंदों के ऊपर, एक चौका 3 छक्के, आज उसने कुछ थोड़ी गैरत खाई, अच्छी बैटिंग की, लेकिन उसके बाद जब अच्छा खासा वो भी खेल रहा था, वो भी लेग साइड के ऊपर पता नहीं क्या पेलने लगा था। ओ मेरे खुदाया, क्या मैं इनको कहूँ, अभी 8 ओवर पड़े थे, ये शॉट मारने की ज़रूरत ही नहीं थी, पता है पिच डिफिकल्ट है, नया आएगा उससे नहीं सांभा जाएगा, एग्जैक्टली वही हुआ, 12.4 ओवर्स पर में शादाब खान 40 बनाकर 25 गेंदों के ऊपर, ये शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर नटरवलकर को कैच देता है कि निजे की बॉल के ऊपर, अगली बॉल के ऊपर आजम खान साहब ने कहा ओह आई एम सॉरी, ये मेरी टांगे देख लो, खाई है बॉल सीधा पैड्स के ऊपर, अंपायर ने कहा चलो तुम किधर गलती से आ गए हो, यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, यहाँ पे रोटी नहीं खुली, वलीमा नहीं हो रहा किसी का। अच्छा, इफ्तखार चाचा 18 किए 14 गेंदों के ऊपर, 3 उसने चौके लगाए, वो भी जनाब LBW हो गए, और कमाल LBW हुए, वो टुलर है ना लेग साइड के ऊपर, बस चल गए तो चल गए, वो सीधा फुल टॉस आया है जनाब, पैड पे लगा है, और चाचा का बैट लगा ज़मीन के ऊपर, चाचा को लगा बॉल पे लगा है, मैं वो रिव्यू ले लिया और इतनी बड़ी आवाज़ आई थी, बेचारे बॉलर को भी लगा कि नहीं यार इसका बैट ही लगा होगा, अंदाजा करे ये हालात थे उधर, मेरा तो आदमी तो हंसी नहीं बंद हो रही, बैट जमीन पर लगा है, क्लियर कट नजर आ रहा है, चाचा ने रिव्यू ले लिया, उसके बाद बॉलर भी पूछ रहे हैं बैट ये बैट लगा है बॉल के ऊपर है ना, बैट लगा ना, चाचा कह रहा हाँ हाँ बैट लगा है बॉल के ऊपर, वो जब रिप्ले आया और बैट जमीन पर लगा था, वो भी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, पैड इसके इधर मगरब में थे और बॉल सीधा आके ठक लगा है, और पैड दोनों पैड विकटों के बिल्कुल स्ट्रेट, सही है चाचा आप अजीम हैं यार। शाहीन ने फिर 23 किए 16 गेंदों के ऊपर, 1 छक्का 2 चौके, उसने एंड पे आगे अच्छी हिटिंग कर दी थोड़ी बहुत ही, तो आप एक 159/7 पाकिस्तान ने किए उनकी बॉलिंग में। सर अब जाहिर सी बात है 157 पे क्या ही किसी को मार पड़ी होगी, ऐसा जसदीप को थोड़े से रन्स पड़े हैं, बाकी सब नुशुतोष के निजिए 4 ओवर्स 30 रन 3 विकटे 7.50 लेफ्ट आर्म स्पिनर, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप नहीं खेल सकती पीरियड, वंस अगेन कन्फर्म्ड, क्या बाबर क्या रिजवान क्या शादाब क्या उस्मान क्या कोई और, पहले नंबर से लेकर 5वें 6ठे 7वें नंबर तक जितने भी आपके बैटर्स हैं वो लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेल सकते, ये मैं आपको ये आज कंफर्म हो गया। अच्छा, उसके बाद नटरवलकर 4 ओवर्स 18 रन 2 विकेट्स 4.50 की इकॉनमी, अली खान 4 ओवर 30 रन 1 विकेट 7.50 की इकॉनमी, हरमीत सिंह 4 ओवर्स 34 रन 8.50 की इकॉनमी, जसदीप 3 ओवर्स 37 रन 1 विकेट 12.33 की इकॉनमी, इसको थोड़ी सी मार पड़ी है बस, और किसी को मार शार कोई नहीं पड़ी, कोरी एंडरसन 1 ओवर में 6 रन ठीक हो गया। अच्छा जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 160 करने थे, उधर से सर टेलर वो जल्दी आउट हो गया नसीम शाह की बॉल के ऊपर, उसने 12 किए, फिर पटेल 50 किए, उसने कैप्टन इनिंग खेली 38 बॉल्स के ऊपर 7 चौके 1 छक्का, आमिर ने उसको रिजवान का तो कैच आउट कराया, अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी उसने और ये एंड्रियस ने 35 किए 26 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 1 छक्का, यहाँ पर इन ये दोनों को इकट्ठे आउट करने के बाद पाकिस्तान मैच में आ गया था, पाकिस्तान मैच में वापस आ गया था, पाकिस्तान एंड के जो ओवर्स थे ना, ये जो स्पेशली जो आखिरी 3 ओवर थे उसमें पाकिस्तान बड़े आराम से मैच जीत सकता था। मेरे नज़दीक एक कैलकुलेशन ये कि मैंने ये देखा है T20 क्रिकेट में, जब भी मैच फंसा हुआ होता है 17वां ओवर आप अपने सबसे बेस्ट बॉलर को देते हैं, वो शाहीन को नहीं देना चाहिए था, शाहीन एक चौका गलत खा गया, क्योंकि शाहीन ने बहुत मार नहीं खाई, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो आमिर को देते तो ज़्यादा बेहतर सीन हो सकता था, लेकिन चलो शाहीन ने कर लिया, फिर आमिर ने अच्छा ओवर किया, एंड पर 15 ओवर रहते थे वो, 15 रन रहते थे वो हारिस रऊफ भाई। अच्छा, जोन्स वंस अगेन सेव कर गया USA को, इसने पिछला मैच भी जिताया था 94 करके, आज 36 किए नॉट आउट 26 बॉल्स के ऊपर 2 चौके 2 छक्के 138 का स्ट्राइक रेट, और नितेश कुमार 14 किए 14 गेंदों के ऊपर 1 चौका मारकर,
पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, शाहीन 4 ओवर्स 33 रन्स, कोई विकेट नहीं। आमिर 4 ओवर्स 25 रन्स, एक विकेट। नसीम शाह 4 ओवर्स 26 रन्स, एक विकेट। हारिस रऊफ 4 ओवर 37 रन्स, एक विकेट। शादाब 3 ओवर 27 रन। इफ्तिखार अहमद 1 ओवर 10 रन। जो इस किस्म का मैच होता है ना, उसमें ये फिर ये वाली इकॉनमीज़ नहीं होती 8.25, 9.25, 9 और 10, ना सर, फिर ये इकॉनमीज़ नहीं होती, क्योंकि आपने सिर्फ 160 चेस करने हैं और डिफेंड करना है। फिर आपकी इकॉनमी जो है ना, वो इस तरह की समझ आती है, 5-6 वाली समझ में आती है सर, 8 वाली नहीं समझ में आती, क्योंकि 8 तो वैसे ही उनको चाहिए था। तो आपके अगर उन्होंने हर ओवर में 8 रन बना लिए तो आपने कुछ नहीं पटा। ऊपर से लास्ट ओवर में क्रूशल कैच भी शाहीन ने ड्रॉप कर दिया, और हारिस रऊफ साहब ने 2 फुल टॉसें कराकर सारे मैच का बेड़ा गर्क कर दिया। बॉल बाद सुपर ओवर में चली गई, सुपर ओवर में आमिर को 18 रन पड़े हैं यार, आमिर को। और पता है 18 रन में से चौका सिर्फ एक है, बस पहली गेंद पे उसको चौका पड़ा है, उसके अलावा उसने कोई बाउंड्री नहीं खाई और 18 रन खाए हैं। 7 रन सर वाइड के ऊपर बने हैं, 7 रन। पहला वाइड किया जनाब, वो वाइड भी हो गई, वो 2 रन भी भाग गए, फिर वाइड 2 रन, फिर वाइड 2 रन, 3, 2, 5, 2, 7 तो रन ये बन गए, एक चौका 11, बाकी उन्होंने आगे पीछे भाग भूक के 7 रन और बना लिए। 18 रन उन्होंने पेल दिया आमिर को, आप सिर्फ 13 रन बना सके, 5 रन से आप हार के, तो यूएसए से हार के अब बाहर हो गए हैं। अब आप क्या पट लेंगे इस टूर्नामेंट में? अगला मैच आपका इंडिया के साथ है, न्यूयॉर्क की विकेट के ऊपर, ठीक है ना भाई? एक तो वैसे ही विकेट्स फारग, ठीक है, क्योंकि अब यूएस में तो आपको पता चल गया, यूएस में बड़ा सिंपल सा है, आपने टॉस जीता आप आधा मैच जीत गए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डली आपने टॉस जीता आप आधा मैच जीत गए हैं। और एक्सपीरियंस टीम्स तो टॉस जीतने के बाद खड़े ही नहीं होने देंगी अपने ओपोनेंट्स को, एक्सपीरियंस जो टीम्स हैं आप देख लीजिएगा यूएस के अंदर। वेस्ट इंडीज़ में फिर कोई चांस होगा, लेकिन बाकी बहुत मुश्किल है। अब अगला मैच इंडिया के अगेंस्ट है, आपने तारीफें करनी है कि कर लेंगे, फाड़ के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सफ़ा फाड़ने की बात कर रहा हूँ, मतलब सफ़ा फाड़ के बताएंगे ना हमारे ये प्लेयर्स हैं वो, हाँ कोई दूसरा मतलब ना ले लेना यार। अच्छा खैर, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, रोहित को इस तरह आउट कर देंगे, कोहली को उस तरह आउट कर देंगे। एक बात बताओ, ये इस तरह की फर्जी कहानियाँ बनाकर आपके मुँह का थुक नहीं सूखता है, तेल नहीं मुकता आपका? क्योंकि आपकी टीम का तो थुक भी सूख गया, इनका पानी भी मुक गया, तो अब आप भी रिलैक्स करें सर। इसीलिए ना मैं ना इतनी इमोशनल होकर ना इन लोगों को कभी मैंने सपोर्ट नहीं की, और काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि इनका दीन ईमान नहीं है ना, आप इनके बारे में सर्टन नहीं है। जब आप सर्टन नहीं है तो फिर इमोशंस इन्वेस्ट करने का फ़ायदा दो चीज़ों में कभी वो क्या उसको कहते हैं, इन्वेस्टमेंट ना करें, इमोशंस की और पैसे की, जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, आपको नहीं समझ आ रही, आपको जिसे कहते हैं कि नहीं पता कि क्या रिजल्ट्स होंगे, ना इमोशंस इन्वेस्ट करें ना पैसा इन्वेस्ट करें। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।